नमस्कार, न्यूज 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। पिछले वर्ष ही कोरोना को लेकर ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की मौत हुई थी और उस घटना के बाद जो है सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का निर्णय लिया और करोड़ों की लागत से सदर अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऑक्सीजन प्लांट महज कुछ ही दिनों तक चली, जिसके बाद तकनीकी खराबी के कारण इस ऑक्सीजन प्लांट को बंद कर दिया गया, जिस कारण लगभग 3 महीनों से ये ऑक्सीजन प्लांट यूँ ही ठप पड़ा हुआ है, जिस कारण बाहर से प्राइवेट जो एजेंसी से गैस आपूर्ति है वो की जा रही है, जिस कारण सदर अस्पताल का लाखों का चूना लग रहा है। आपको बता दें कि एक नया वेरिएंट फिर से जो आने की संभावना है और उसके बाद जो है फिर से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। सदर अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट जो है बंद पड़ा हुआ है, लापरवाही अस्पताल प्रशासन की है। ये जा रहा है कि अस्पताल में जो ये बंद है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये बंद पड़ा हुआ है और प्रेशर ख़राब होने के कारण जो ये ऑक्सीजन प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है। LT कंपनी के द्वारा जो है इसे बनाया गया था और उसके बाद जो है महज कुछ ही दिनों तक चली और कुछ दिनों को चलने के बाद जो है ये ऑक्सीजन प्लांट बंद कर दिया गया है। इस मामले को लेकर हमने सिविल सर्जन किशोर कुमार मधुप से हमने बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि इसको लेकर हमने विभाग को भी पत्र भेजा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट को जो है चालू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और जो बाहर से प्राइवेट से जो ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति है वो हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि सदर अस्पताल में करोड़ों की लागत से बनाया गया ऑक्सीजन प्लांट क्या यूँ ही शोभा वस्तु बनकर रह गई है? इसका कोई काम नहीं हो रहा है क्या? सदर अस्पताल प्राइवेट कंपनी से कैश ऑक्सीजन से जो सिलेंडर की आपूर्ति है वो कर रही है और इससे लाखों रुपए का चूना सदर अस्पताल को भी लग रहा है। तो सिविल सर्जन ने यह बताया है कि अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल है कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो ये ऑक्सीजन प्लांट जब बना हुआ है तो इसे अब तक चालू क्यों नहीं किया गया, इसे ठीक क्यों नहीं किया गया, ये सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल सिविल सर्जन ने यह बताया है कि इसको लेकर विभाग को हमने जो पत्र है वो भेज दिया गया है और जल्द ही इसे चालू किया जाएगा। पहले सिविल सर्जन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। ठीक था, ऑक्सीजन प्लांट पिछले कुछ दिनों प्रेशर में कुछ खराबी आ गई थी जो LT कंपनी द्वारा संचालित है। वो हम लोगों ने उनके इंजीनियर को खबर भेजा, वो आके देख के गए हैं और वो जो पार्ट्स लगेगा उसकी सप्लाई बहुत जल्द ही वो सुनिश्चित कर रहे हैं और जल्द ही वो 2-4 दिन के अंदर बन जाने की उम्मीद है। इस संदर्भ में हम लोगों ने पहले लिख के भी दिया और फिर फोन से भी बात किया और अपने विभाग के प्रधान सचिव को भी VC में हमने ये बताया, उन्होंने भी इसे संज्ञान में लिया और बहुत जल्द ही ये हमारे यहाँ चालू कंडीशन में हो जाएगा। और ऐसे इस अभी फिलहाल हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पूर्ण हर तरह से ऑक्सीजन पूरे मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है, किसी मरीज को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सर कहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लाया जा रहा है? ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे यहाँ से अभी सहरसा में है, आलम गैस एजेंसी प्राइवेट से अभी लिया जी, हाँ प्राइवेट से लिया जा रहा है। तो अमूमन जल्द ही अब ये सही हो जाएगी जी? हाँ बिल्कुल,